अब यहाँ पर वीडियो में जो मुर्गी दिख रही है दोस्त आपको, ये मुर्गी कितने बच्चों को संभाल रही है देखेंगे। एक महीना हो गया है बच्चों को, टोटल आप गेस करिए कितने बच्चे हो सकते हैं कहकर मैं अभी गिनकर बताऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा आपको एक मुर्गी कितने बच्चों को संभाल सकती है कहकर। एक महीना तो हो गया है ये बच्चों का आज को। तो उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरा यूट्यूब की जर्नी और यूट्यूब का इनकम ये दोनों के बारे में एक वीडियो आया है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो वीडियो का जाकर आप देख सकते हो जो भी भाई को इंटरेस्ट है। तो अभी ये मुर्गी देखिए कितना मस्त मिट्टी में खेल रही है, उसके बच्चे भी इस तरह से फ्री में अच्छे से रहेंगे। टोटल 60 चिक्स रहेंगे, अभी हम गिनेंगे इसे कितने चिक्स है कहकर। तो एक महीने के चिक्स देखिए ओरिजिनल देसी के किस तरह से दिखते हैं, आपको यहाँ पर आप पहचान सकते हो। एक बच्चा मे बी कमज़ोर हुए जैसा दिख रहा है, वहाँ का बच्चा थोड़ा सा मुंडी एक जगह कर रहा है, उसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे हम, वो कल के वीडियो में करेंगे। अभी तो शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं अभी कुछ, तो अभी क्या करेंगे उसे थोड़ा सा देखेंगे अभी वो सही में मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है या सब बच्चों की तरह एक्टिव में है, ये देख लेंगे। देख कर अभी क्या करेंगे हम एक बार ये बच्चों को देखिए किस तरह से है यहाँ पर। तो अभी एक एक बच्चे को अंदर छोड़ते हैं डोर ओपन कर कर। तो एक एक बच्चा जब अंदर जाते रहता है हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने बच्चे हैं कहकर। तो अभी हम गिनना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले मुर्गी को अभी अंदर छोड़ दिया हूँ दोस्त, इस तरह से थोड़ा सा डोर ओपन करके मैं क्या करूँगा एक एक बच्चे को अंदर ले लूँगा, गिनते जाएँगे एक एक बच्चे को अंदर लेकर। अभी देखिए दोस्त धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी एक अंदर आ गया है, एक चले आया है और 2, 3, 4, 5 हो गए, 5 अच्छे से गिनिए। आपको भी प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं एक मुर्गी को कितने बच्चे संभाल सकती है एक मुर्गी कहकर। 5 तो चले गए और ये 6, थोड़ा सा मुझे देख कर डर रहे हैं दोस्त, 6 अंदर चले गए और यहाँ पर दहलीज पे ठहरे हुए थोड़े, 6 गए और एक आया है अंदर, हाँ ये 7, 8 हो गए टोटल। तो और अभी आ जाओ आ जाओ, 8 गए, ये 9 और ये 10, ये 11 चले गए, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, 11 गए और ये 12, ये 13, 13 हो गए यहाँ को, 13 और 13, 14, 15, 16, 17, 17 चले गए, 17 गए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 हो गए, 23 और 24, 25, 26, 27, 28 हो गए, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 हो गए दोस्त यहाँ तक, 39, 40, 41, 42 चले गए अंदर। तो और डर रहे हैं मैं भी, 42, 43 आ जाओ 43 हो गए, 43 चलो मामा जल्दी जल्दी, ये वाला 44 चल 44, 45, 46, 47, 48 टोटल 48 गए अंदर। तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक कर कर भी देख सकते हो दोस्त, और भी अच्छे से समझ में आएगा। 48 हो गए थे, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, एग्जैक्ट 60 है दोस्त। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है दोस्त, एक मुर्गी 60 बच्चों को संभाली है। आज तो इसका एकवा महीना है बच्चों का, यानी 1 मार्च को ही निकले थे, आज तो 3 तारीख है, यानी 1 महीना 3 दिन हो गया है बच्चों का। देखिए बच्चे काफ़ी एक्टिव में भी है, अच्छे से भी है, प्योर ओरिजिनल देसी के है ना, इसीलिए थोड़ा सा कम ग्रोथ में दिखेंगे। और थोड़े बच्चे क्या है, थोड़ा छोटे क्यों रहेंगे, बिल्कुल छोटे अंडे में से निकलेगा ना बच्चा, वो बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ कम होती रहती है उसकी। और यहाँ पर पूरा प्योर स्टार्टर फीड भी नहीं डाल रहे हम, या फिनिशर फीड भी नहीं डाल रहे, सिर्फ 20 डेज तक स्टार्टर फीड डाले थे, उसके बाद जवारी और सोयाबीन बाजरा ये 3 आइटम मिक्स कर कर थोड़ा सा स्टार्टर फीड उसमें मिलाकर खिला रहे हैं बच्चों को। सिर्फ खाली स्टार्टर फीड ही खिलाएंगे ना, और भी जल्दी से ग्रोथ आती थी इनकी, तो फीड का खर्चा बचाने के लिए भी थोड़ा सा इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अच्छे से है सारे बच्चे, एकदम परफेक्ट है, एक्टिव से है।
यहाँ पर घर के पास टोटल 12 मुर्गियाँ, 2 मुर्गे हैं दोस्त, इनके ऊपर फीड कॉस्ट देखिए। सुबह खोलते हैं इन्हें, सिर्फ चावल डाल देते हैं थोड़ा सा, वो खा लेंगे, बाहर घूमेंगे, बाहरी घास का कीड़ा मकोड़ा वही खाकर आ जाएंगे। ज़ीरो कॉस्ट लग रहा है, यानी डेली 1 रुपया भी खर्चा नहीं लग रहा है इनमें। असल में ये बात क्यों बता रहा हूँ दोस्त आपको, 12 मुर्गियाँ हैं, 2 मुर्गे हैं, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे फीड का खर्चा। बॉर्निंग खोल दे रहे, बाहर जा रहे, खा रहे, आ रहे, और जो राशन में चावल मिलते फ्री में ही मिल रहे, वही थोड़े से खा लेंगे बस। बहुत सारे गरीब भाई रहते हैं ना, वो भी इस तरह से 10-15 मुर्गी रखकर, थोड़े 2 मुर्गे 2-3 मुर्गे रखकर अच्छे खासे अंडे निकल रहे, 4-5-6 एक दिन 7-7 इस तरह के अंडे निकल रहे, खुड़क नहीं बिठाए तो मुर्गियों को। तो इस तरह से कुछ घर के खर्चे निकाल ले सकते हैं, गरीबों की मदद हो सकती है कहकर मैं एक सीरीज़ बनाएंगे समझा था, डेली वीडियोस, यानी उतने मुर्गियों में कितने अंडे निकल रहे हैं डेली कहकर। तो ये सीरीज़ के वीडियोस रेगुलर नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे, अम्मी ने आज हॉस्पिटल जाके आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ किधर से क्या क्या हो रहा है, मतलब कि लाइफ के इम्तिहान दे देकर थक सा गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कल फिर हॉस्पिटल को जाना है, अभी अभी मेरी वाइफ थोड़ी सी रिकवर हुई है, पूरी भी रिकवर नहीं हुई है, फिर अभी अम्मी की तबीयत भी ख़राब है। ये लाइफ के इम्तिहान से बस हो गया हूँ, तंग आ गया है, क्योंकि मेरी फैमिली को चुंटी कुत्ती भी तकलीफ़ हो ना, बहुत सुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, देखेंगे।